हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिप्लोमा इन रेडियो प्रोडक्शन एंड रेडियो जे की कोर्स क्या होता है तो दोस्तों अगर आप भी ट्वेल्थ पास करने के बाद आप एक रेडियो जैकी यानी कि आरजे बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिप्लोमा इन रेडियो जैकी प्रोडक्शन एंड रेडियो जे की कोर्स को करना होता है लेकिन इस कोर्स को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस कोर्स के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए इसमें एडमिशन कैसे मिलता है यह कोर्स कितने साल का होता है और इस कोर्स की फ़ीस कितनी लगती है इन सब के बारे में पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तो आइए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस टू पॉइंट जीरो में तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा इन रेडियो प्रोडक्शन एंड रेडियो जे की कोर्स के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों अगर आप भी इस कोर्स को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका ट्वेल्थ पास होना चाहिए दोस्तों काफ़ी कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो टेंथ के बाद भी इस कोर्स को करवाते हैं तो आप कॉलेज से जाके पता कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मांगा जाता है यानी कि टेंथ पास वहाँ पर मांगा जाता है या फिर आपको ट्वेल्थ पास वहाँ पर डिग्री मांगी जाती है दोस्तों ट्वेल्थ आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं यानी कि कॉमर्स साइंस या फिर आर्ट किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने अपना ट्वेल्थ पास कर लिया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं इसके साथ साथ आपका में अगर आप कोशिश करें तो आपको पैंतालीस परसेंट मार्क उसमें मांगा जाता है तो दोस्तों आप कोशिश करें कि कम से कम आपका ट्वेल्थ में पैंतालीस मार्क रहे इसके साथ साथ आपकी उम्र जो है वो अठारह से पैंतीस वर्ष के बीच में होनी चाहिए यदि आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है वो अठारह से पैंतीस वर्ष के बीच में होनी चाहिए तो दोस्तों आइए डिटेल्स में बताते हैं कि स्टूडेंट स्टूडेंट बहुत सारे जानना चाहते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले अपना आपको टेंथ या फिर अपना ट्वेल्थ पास कर लें दोस्तों जैसे अपना टेंथ या फिर ट्वेल्थ पास करते हैं इसके बाद आपको कॉलेजेस में जाके वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है जिसे क्लियर करना होता है कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो खुद का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित करते हैं तो उसे क्लियर करने के बाद ही इस कोर्स में आपको एडमिशन मिलता है दोस्तों अगर आप सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स को करते हैं तो उसके लिए आपको यह कोर्स पूरे साढ़े तीन से छः महीने आपको पड़ता है और यदि आप डिप्लोमा कोर्स को करते हैं यानी कि डिप्लोमा रेडियो प्रोडक्शन एंड रेडियो जैकी कोर्स को करते हैं तो यह कोर्स पूरे एक साल का होता है तो एक साल इसमें आपको पढ़ाई करने के बाद आपको इस कोर्स की डिग्री दे दी जाती है है तो दोस्तों आइए को बताते हैं कि इस कोर्स की फीस कितनी होती है तो दोस्तों अगर हम बात करें सर्टिफिकेट लेवल कोर्स की तो यह पूरे तीन से छह महीने का होता है अगर हम बात करें इसकी फीस की तो इसकी फीस लगभग पच्चीस से पैंतीस हजार रुपए आपको पूरे यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स की, की पूरी फीस इसमें पड़ जाती है अगर हम बात करें डिप्लोमा कोर्स की तो डिप्लोमा में आपको लगभग चालीस से पचास हजार आपको पूरे कोर्स की फीस पड़ सकती है दोस्तों इन कोर्सों को करने के बाद आप जाकर रेडियो स्टेशन में आवेदन करके वहां पर आप आसानी से एक रेडियो जेकी यानी कि आर जे की की बन सकती हैं तो दोस्तों ये थी जानकारी कि डिप्लोमा इन रेडियो प्रोडक्शन एंड रेडियो जेकी कोर्स के बारे में तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कोर्स क्या होता है इसमें एडमिशन कैसे मिलता है और इस कोर्स की फीस कितनी होती है दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेलाइकिन को प्रेस करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद